हेलो। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे। आपको थंबनेल देखकर तो पता चल गया होगा कि आज हम इस वीडियो में किसको रोस्ट करने वाले हैं। चलें बगैर किसी टाइम जाया किए बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखा आपने इस वीडियो में, मतलब मुझे इस अडाप्टर को फेंक देना चाहिए क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं। अब मोबाइल ऐसे चार्ज होंगे जैसे इस लड़के ने इस वीडियो में अपना मोबाइल चार्ज करके दिखाया है। कुछ भी कुछ भी यार, ऊट पटांग हरकत करने की कोई तो इंतहा होती है। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि अडाप्टर पे लगाने वाली वायर को बैली पे लगाकर अपना मोबाइल चार्ज कर लें? मुझे तो ये स्ट्रिंग की कमर्शियल वाला लड़का लगता है जो आज तक लोगों को बेवकूफ बना रहा है कि स्ट्रिंग पीने से लोगों में करंट आ जाता है। जैसे वो स्ट्रिंग पीकर लोगों को बेवकूफ बना देता है और एलिवेटर चला के दिखा देता है, इसी तरह ये बगैर अडाप्टर के मोबाइल चार्ज करके लोगों को बेवकूफ बना रहा है। ये ऐसे लोगों का स्टेज वन था। स्टेज टू ऐसे ऊट पटांग हरकत करने वाले आशिकों की शादी के बाद शुरू होता है जब इनकी शादी के बाद हल्की फुल्की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। चले इनका स्टेज टू देख लेते हैं। तो देखा आपने, ये ऐसे लोगों का स्टेज टू था। ऐसे लोगों के इस स्टेज में हल्की फुल्की लड़ाई तो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन लड़ाई भी मोहब्बत वाली होती है। जैसे कि तुम खाना नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। मतलब इस स्टेज में नाराज होने और मनाने का रिवाज जारी रहता है और हाथापाई तक बात नहीं आती। और इस स्टेज के बाद जो तीसरा स्टेज होता है वो तो भयानक और झगड़े वाला होता है। चले आपको ऐसे लोगों का स्टेज थ्री दिखाते हैं। भाई मारो, मुझे मारो, मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो देखा आपने, ये ऐसे लोगों का स्टेज थ्री है। इस स्टेज में लड़ाई के दौरान करछा, बेलन, डोई, चमचा सब चलते हैं और इस स्टेज की लड़ाई में और WWE की लड़ाई में कोई फर्क नहीं रहता। और ऐसे लोगों के स्टेज थ्री में घर, मोहल्ला, गली सब मैदान जंग बन जाता है। और इस स्टेज के भयानक तरीन होने की वजह मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि बुढ़ापे में इनके पास करने के लिए तो कुछ काम होता नहीं, इसीलिए लड़ाई झगड़ा करके और घर को मैदान जंग बनाकर अपना टाइम पास करते हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। और आज के लिए इतना ही है। हमारी वीडियो किसी गुर्दे फेफड़े दिल दुखाने के लिए हरगिज नहीं थी बल्कि फनी पर्पज के लिए थी, लिहाजा इसे फनी पर्पज के लिए इस्तेमाल करें। और हमारी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के दरमियान शेयर कर दें। अगर आपने हमारी पिछली अपलोड की हुई रोस्टिंग वीडियो नहीं देखी तो चैनल में जाकर हमारी पिछली अपलोड की हुई रोस्टिंग वीडियो देख लें। और वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।